हे एवरीवन, बिजी कुजीन में आप सबका स्वागत है। ईट एंड एंजॉय। ये है हेल्थ से भरी, टेस्ट में भरपूर और बच्चों और बड़ों सबकी मनपसंद चाट, काला चना चाट, जो बच्चों और बड़ों सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम देखते हैं ये कैसे बनी। आज हम एक ऐसी चाट बनाने जा रहे हैं जो टेस्ट में तो लाजवाब है ही, लेकिन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अच्छी है। प्रोटीन से भरी, प्रोटीन रिच, फाइबर से भरी, एनर्जी युक्त चाट है। इसका नाम है चना चाट। तो चलिए हम देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। ये उबले हुए काले चने हैं 1 कप, एक कटा हुआ खीरा बारीक कटा हुआ है, थोड़ा सा टमाटो केचप। इसमें हम हरी चटनी भी डाल सकते हैं, अगर तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो हरी चटनी भी डाली जा सकती है। थोड़ा सा कटा हुआ टमाटर, एक बड़ा उबला हुआ कटा हुआ बारीक आलू, थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नींबू, थोड़ी सी हरी मिर्च बारीक कटी हुई, ये पुदीने के पत्ते हैं जिनको सुखा लिया है, चाट मसाला, काली मिर्च और ये है काला नमक। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। ये काले चने उबले हुए हैं तो एक एक करके इसमें हम डालेंगे। पहले खीरा, टमाटर डालेंगे, अगर प्याज पसंद करते हैं तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा आलू, केचप डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़े से सूखे पुदीने के पत्ते, अब इसमें डालेंगे चाट मसाला। अच्छी क्वांटिटी में डालेंगे ताकि चाट का अच्छा फ्लेवर आए। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना हमें तीखा या चटपटा चाहिए। नमक भी हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग, काला नमक, चाट में काला नमक ही अच्छा लगता है इसलिए हम काला नमक ही डालेंगे। अब इसमें हम नींबू डालेंगे अच्छे से निचोड़ के। इसमें हम हरी चटनी भी डाल सकते हैं। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही टेस्ट में अच्छी लगती है और बच्चों के लिए तो ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये प्रोटीन से भरी है, इसमें फाइबर है, बहुत न्यूट्रिशियस चाट है। तो ये हमें बच्चों के लिए तो ज़रूरी बनानी चाहिए। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अब हमारी ये न्यूट्रिशियस चाट बनकर तैयार है, जो टेस्ट में तो सुपर हिट है ही और बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। तो आप भी इसको ज़रूर बनाएं और अपने घर में सबको खिलाएं। ईट एंड एंजॉय। इसी तरह की टेस्टी टेस्टी हेल्दी रेसिपीज़ को और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबा दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई रेसिपीज़ की अपडेट मिलती रहे। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर करें।